जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, और किस्मत में जो जो चीज़ें होती है हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है। अभी तक तो हमने बहुत खराब दिन देखे, बुरे वक्त दिन देखे, क्या हमारी किस्मत में कुछ अच्छा है भी कि नहीं है, और न जाने कितने सारे प्रश्न जो आपकी किस्मत से रिलेटेड होते हैं, जो आप कई बार खुद से पूछते हैं लेकिन आपको उसके जवाब कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो किस्मत का लिखा जो है वो आप जान पाएंगे, और इसके बारे में जो भी सही जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। बस छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ आ पाए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। देखिए, किस्मत जो है वो हमारे कर्मों का फल है। नियति जरूर है कि जो पहले से चीज़ें डिसाइडेड हैं वो बिल्कुल है, लेकिन इस प्रकृति पर, इस दुनिया पर, इस धरती पर मानव को सिर्फ और सिर्फ कर्म की आज़ादी है। इसीलिए हर बार कोई भी संत महात्मा, कोई भी व्यक्ति, चाहे जो किसी शिद्दत से किसी मुकाम पर हो, एक ही बात कहता है, आप अच्छे कर्म करें, आप अच्छे कर्म करें, आप अच्छे कर्म करें। और वही एक पॉजिटिव माइंड सेटअप है, एक वही चीज़ है जो आपकी किस्मत को हमेशा पॉलिश करती है और आपकी किस्मत हमेशा बेहतर और बेहतर होगी। अब अच्छे कर्म करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि अच्छे कर्मों के लिए आपकी अच्छी नीयत होना चाहिए। अच्छी नीयत के साथ आपका माइंड सेटअप सकारात्मक होना चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक सकारात्मकता नहीं आएगी। दूसरी बात है कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कुछ न कुछ करना जरूर है, और कुछ न कुछ करना ही जो है वो जीवन में किस्मत को हमेशा बेहतर और बेहतर करना है, क्योंकि प्रयास ही किस्मत है। आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझें कि प्रयास जो आपके कोशिश है वही किस्मत है। इसलिए मेहनत करें, प्रयास करें, और इस माइंड सेटअप को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें कि हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, और ये जितनी चीज़ें हम जिनमें उलझ जाते हैं, और हम हमारे अच्छे कर्मों के ऊपर, हम हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं, और हम परिणामों की ओर ध्यान पाते हैं। जैसे गीता में लिखा है, कर्म करें फल की चिंता न करें। तो ये कर्म जो है यही किस्मत है, कर्म ही, मेहनत ही आपकी किस्मत है। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे मेन बात है वो है अगला, ईश्वर का जप। अब जितना ईश्वर का जप करेंगे, इतने भगवान का नाम लेंगे, उतनी चीज़ें हमारे साथ पॉजिटिव होगी, उतनी चीज़ें सकारात्मक होगी, और जीवन में वो सभी चीज़ें हम हासिल कर पाएंगे जिन चीज़ों की हम कामना करते हैं। तो ये किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा। आप सिर्फ अच्छे कर्म करते रहें, भगवान आपको हमेशा बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अपने माइंड सेटअप को पॉजिटिव रखें, किसी भी प्रकार के आडंबर में ना आप उलझें, और अपने आप को सहज सरल रखें, और हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें। यही सच है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।